पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने कोरोना की जंग के लिए दिए 50 लाख, कहा छिंदवाड़ा की जनता के लिए तन मन धन से है साथ। सौंसर के पिपला नारायणवार में एक व्यक्ति को पीटने के वीडियो वायरल होने पर पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई, मामले की जांच एसडीओपी के हवाले। जिले में आए 175 मजदूरों के भोपाल भेजने की व्यवस्था कर रहा है जिला प्रशासन, भोपाल से विशेष ट्रेन से उत्तर प्रदेश जाएंगे मजदूर। जिले के अमरवाड़ा और हर्रे के 4 मजदूरों को किया क्वारंटाइन, सिवनी के कोरोना पीड़ित के साथ गुजरात से लौटे थे चारों। और जुन्नारदेव नगरपालिका के सफाई कर्मचारी को 14 महीने का वेतन दिए बिना हटाया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से बिना स्वीकृति पत्र दिए करवा रहे थे काम। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा की जनता के द्वारा लड़ी जा रही कोरोना की जंग में उनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ कहीं से भी पीछे नहीं है। वे जहां लगातार शासन के संपर्क में रहकर सारी जानकारी ले रहे हैं, वहीं उन्होंने पहले तो 11 लाख रुपए जिले को दिए और फिर भी गरीबों के मिलने वाले भोजन में कमी ना हो इसके लिए एक बार फिर 2 लाख का चेक दिया। इसके बाद 18 मई को लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद फिर कोरोना के विरुद्ध जारी जंग में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा दी। उन्होंने इस जंग के लिए 50 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता दी है, जिसे संपूर्ण जिले में आवश्यकता अनुसार व्यय किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शहर के 5 वार्डों में 1500 किराना किट का वितरण किया था। तन मन धन से सेवा में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जनसेवा की नई मिसाल पेश की है। इंदौर और भोपाल में पढ़ने वाले छिंदवाड़ा जिले के छात्रों को विशेष बस द्वारा बुलवाया जा रहा है। बस इंदौर से शाम 4 बजे चल चुकी है, जो 35 बच्चों के साथ भोपाल के 17 बच्चों को लेते हुए सुबह छिंदवाड़ा पहुंचेगी। बच्चों को इंदौर में एक जगह एकत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि उनकी जांच करके उन्हें छिंदवाड़ा के लिए रवाना किया जाएगा और सुबह आने के बाद जांच के बाद उन्हें होम क्वारंटीन भी किया जाएगा। परसों से लगातार इन बच्चों से बात चल रही है, थोड़ा सा इसमें विसंगति ये आ रही थी क्योंकि ये इंदौर में भी शहर के भिन्न भिन्न स्थानों में एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज लगभग ये 4 बजे के आसपास एक चार्टर्ड बस के द्वारा ये एक या एक से ज्यादा वाहन के माध्यम से निकलेंगे और संभावना ये भी है कि भोपाल वाले भी जो बच्चे हैं वो एक साथ होकर इनके साथ आए। अगर ऐसा नहीं भी संभव होगा तो भोपाल से अलग वाहन के माध्यम से छिंदवाड़ा के लिए निकल पड़ेंगे। केवल ये है कि ये एक साथ इकट्ठे हो जाए और फिर छिंदवाड़ा के लिए। सौंसर के पिपला नारायणवार में 2 पुलिसकर्मियों ने एक गरीब व्यक्ति को बेहोश होने पर बेरहमी से पीटने के वीडियो वायरल होने के बाद जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी खड़ा है और दूसरा उस व्यक्ति को तब तक मारा है जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं गया। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति नानू नशे का आदी है और नशे में कई बार ऐसी हरकत भी करता है जो किसी सभ्य समाज के लिए भी अच्छी नहीं कहलाती। गाली गलौज और मारपीट भी करता है। कई बार समझाइश के बाद भी वह नहीं माना तो उस गुस्से में आकर पुलिस ने पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पुलिस बल उसे गाड़ी में डालकर ले गया। जिला पुलिस अधिकारियों को जानकारी लगने पर इस मामले में शामिल दोनों पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं और जांच एसडीओपी सुरेश सिंह को दी गई है। जुन्नारदेव नगर पालिका परिषद के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी मुकेश चौहान को लॉकडाउन के दौरान काम से हटा दिया गया और पिछले 14 महीनों से उसका बकाया वेतन भी नहीं दिया गया। सफाई कर्मचारी ने बताया कि वह 1972 से नगर पालिका में काम कर रहा है, जिसकी शिकायत मुकेश के द्वारा एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पुलिस थाना जुन्नारदेव में भी की गई है, जबकि कर्मचारी का वेतन रोके जाने के संबंध में नगर पालिका सफाई विभाग के प्रभारी सुशील लदरे ने बताया कि मुकेश चौहान के पास स्वीकृति पत्र और नियुक्ति पत्र नहीं होने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। मेरे को सीएमओ ने और अध्यक्ष मोदी ने और पुष्पा साहू ने और रमेश साहू ने काम कराया 14 महीने, उसमें मेरे को अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी। उसमें सुधीर लदरे भी है शामिल, इनके कहने पे मैंने काम करा। सुशील भाई बाबू हैं, उनने मेरे को पूरी ड्यूटी कराया। इसके बाद में मेरी लड़की की समस्या, मेरी लड़की की शादी आ गई और मेरे पास पैसा नहीं था, मैं इनके पास पैसा मांगने गए तो मेरे को इनने मना कर दिया। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। इसकी मैंने थाने में भी रिपोर्ट लगाया और मैंने एसडीएम साहब को भी रिपोर्ट दिया, मगर मेरी कोई अभी सुनवाई इसमें हुई नहीं है।
पिछले दिनों ग्राम रामाकोना के बिछवी निवासी राजू की लोहे सीमेंट के ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्राम पंचायत रामाकोना के पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहोड़ द्वारा आज मृतक के निवास स्थान पहुंचकर उसके परिवार को अंत्येष्टि सहायता राशि के 5,000 रुपए के साथ 2,000 रुपए अपनी ओर से भी दिए गए। रामाकोना पंचायत द्वारा 1 कट्टा गेहूं और चावल की सहायता दी गई, जबकि उपसरपंच अब्दुल कलाम अंसारी ने बताया कि मृतक के परिवार को संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाले 4,00,000 रुपए की सहायता राशि के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्दी वह उसके परिवार को मिल जाएंगे। इसमें 5,000 रुपये आज उनको ग्राम पंचायत की तरफ से अंत्येष्टि सहायता के लिए प्रदाय किए गए और 7 दिन के अंदर उनका प्रकरण बनाया जाएगा और प्रकरण बना के मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित किया जाएगा, उसके अंतर्गत उन्हें 4,00,000 रुपये दिलाए जाएंगे। बुलेटिन वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424906188, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब इतवारी बाजार छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री अकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री अकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री अकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। सुबह से ही जंगलों में और पठारों पर बच्चों सहित चले जाते हैं और पत्ते तोड़ते हैं, फिर उन्हें 50-50 की गड्डी में बांधते हैं और पास के गांव में जहां भी फड़ लगती है ये ग्रामीण पत्तों का विक्रय करते हैं। इस वर्ष तेंदुपत्ता का मूल्य 250 रुपये प्रति सैकड़ा है और एक परिवार औसतन 2 से 3 सैकड़ा आसानी से एकत्रित कर लेते हैं, जिससे 500 रुपये से लेकर 750 रुपये तक की दैनिक आमदनी हो जाती है। यह क्रम लगभग 1 से 2 सप्ताह तक चलता है। हजारों परिवार साल भर तेंदुपत्ता की तुड़ाई सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इन्हीं 1-2 महीने में ग्रामीणों की अच्छी आमदनी हो जाती है और ये संग्राहक बाद में लाभांश के भी हकदार होते हैं। यूं तो पत्ते पूरे साल पौधों में रहते हैं, लेकिन जेठ माह में ही इनकी तुड़ाई होती है, क्योंकि इसी माह में ही टूटने वाले पत्तों की बीड़ी बनती है। नवेगांव उपार्जन केंद्र में किसानों को नहीं भेजा जा रहा है SMS, ना ही उन्हें गेहूं लाने के लिए कहा जा रहा है। उपार्जन केंद्र से परेशान होकर अब किसान शिकायत कर रहे हैं। देवीराम यदुवंशी बदनूर, संतोष यदुवंशी बदनूर, सभा यदुवंशी बदनूर और सरवन यदुवंशी बदनूर का सैकड़ों क्विंटल गेहूं पंजीकृत है और वे गेहूं बेचकर अगली खेती की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सोसाइटी के द्वारा गेहूं लाने के लिए मना किया जा रहा है, जिसका किसानों ने शाखा प्रबंधक को SMS नहीं आने की शिकायत की है। कलेक्टर प्रशासक नगर निगम छिंदवाड़ा और कमिश्नर नगर निगम छिंदवाड़ा राजेश शाही के निर्देश अनुसार नगर पालिक निगम अंतर्गत राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण नगर क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कुल 7,600 रुपये का चालान करते हुए जुर्माना किया गया और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण COVID-19 के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उक्त कार्रवाई में नगर पालिक निगम टीम में नरेंद्र मोहन, गोपाल कराड़े, अमित सारवान, अनिरुद्ध बैस, दुर्गेश वर्मा शामिल रहे। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी निगम द्वारा 15 लोगों से 1500 और 91 लोगों पर कार्रवाई करते हुए बिना मास्क पहने हुए 10,700 रुपये वसूले जा चुके हैं। कहीं पर लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग से बच रहे हैं तो कुछ लोगों द्वारा नगद रुपए लेते हुए भी सैनिटाइजर किया जा रहा है। जिले के मुखेड़ विकासखंड के उमरानाला में संचालित दादाजी ट्रेडर्स दुकान में उपभोक्ताओं से सीधे हाथों में पैसे न लेने के बजाय दुकान के सामने एक सैनिटाइजर डिब्बा रखा गया है, जिसमें उपभोक्ता से डिब्बे पैसे डलवाए जा रहे हैं। चौरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत परसगांव सोसाइटी के संचालक द्वारा किसानों को फर्जी तरीके से बिल लगाकर ठगा जा रहा है। बताया गया है कि शासकीय रेट DP खाद का मूल्य 1,073 रुपये है, पर सोसाइटी मैनेजर से कर्मचारियों की मिलीभगत से आम किसानों को 1,225 रुपये ऐंठे जा रहे हैं, जबकि प्रबंधक अशोक शर्मा ने बात करने पर उन्होंने भी संचालक के गवर्नमेंट रेट की जानकारी नहीं होने की बात कही। परसगांव ग्रामीणों ने सोसाइटी संचालक उन्हें कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिले में आदिवासी छात्रावास में रह रहे करीब 175 मजदूरों को उनके राज्य उत्तर प्रदेश भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर ली है। देर रात उन्हें विशेष बसों के द्वारा भोपाल के लिए रवाना किया जाएगा, वहीं से उन्हें ट्रेन के द्वारा उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। ADM राजेश बाथम ने बताया कि भोपाल से उन्हें ट्रेन की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए उन्हें पहले भोपाल भेजा जाएगा।
वहीं एक सिवनी में मिले कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद छिंदवाड़ा में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सिवनी में मिला कोरोना संक्रमित अपने जिन चार साथियों के साथ वापस आया था, वह तीन साथी छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा और हर्रई के ही थे। जिला प्रशासन की जानकारी में आते ही चारों को क्वारंटीन सेंटर, शेल्टर होम सेंटर भेज दिया गया और उन्हें के सैंपल जांच के लिए जबलपुर भेजे गए हैं। हालांकि मजदूर स्वस्थ बताए गए हैं, लेकिन एक अन्य जानकारी के अनुसार सिवनी के कारीरात निवासी मजदूर के चौरी में भी रुकने की खबर है, जिसकी पुष्टि जिले के अफसर नहीं कर पा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं।